Assalamualaikum, it's me Huda Noor and welcome back to my YouTube channel. Hope you all guys doing great. Ramzan आपका अच्छा गुजर होगा. अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोजे भी हो गए और पता भी नहीं चला. ये तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि सबको पता कि 10 रोजे हो चुके हैं 10 रोजे. आई डोंट नो वाई, मतलब ये जो लोग स्टेटस लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोजे हो गए पता भी नहीं चला. नहीं लाइक क्या, वी आर नॉट नॉन मुस्लिम का मैं पता नहीं हो गया यार कौन सा रोज़ा डन हुआ और कौन सी अफ्तारी डन हुई है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज है जुमा. आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक. दूसरे अशरे का पहला जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा और इतना कुछ पीसफुल और कामिंग वाला, मतलब ये मंथ होता है ना, लिटरली आई रियली इन्जॉय इट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई रियली इन्जॉय इट. सो अभी मैंने कर लिया कपड़े इस्त्री जुमे के लिए. Let me show you what I am wearing. This is what I am wearing today. आजकल मैं घर पर होती हूँ ना, आजकल मेरे साथ ऐसे सीन हो रहे हैं ना कि मेरा घर पर भी तैयार होने को दिल करता है. लिटरली मैं हर रोज़ कपड़े प्रेस करके मैं पहन रही होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यार मैं घर में भी अच्छी तरीके से रेडी रहूँ, क्या तैयारे कपड़े पहन के तैयार हूँ. आई डोंट नो वाई इट्स थिंग कि आप मतलब अपने लिए तैयार हों, रोज़ अपने आप को अच्छे लगें. तो क्या करते हैं अब हम चेंजिंग वगैरह करते हैं और नमाज पढ़ते हैं. आज वो भी करते हैं तो सारे काम वो देख रही है. तो आज मेरा फ्री डे है, फ्री डे. सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू ऑल द डे. सबसे पहले तो हम नमाज पढ़ेंगे. तो मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है. तो मैंने उसे कहा यार फिर तुमने क्या कांड किए, जो कांड तुम मेरे पास लेकर आई हो. हर फुटा काम करके ये बंदी मेरे पास आती है. कल हम अफ्तारी कर रहे थे और बैठी हुई थी और उन्होंने माँ बाबा से गिला किया कि जब से आपकी की शादी हुई है इन दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मतलब मैंने और रहीम ने. हमने कहा कैसे अकेला छोड़ दिया है, ये दोनों एक साथ हो गई हैं और मुझे नहीं पूछती. नहीं एक बंदा यूनिवर्सिटी से आके वो आए और कमरे में बस सो जाए, सोया रहे. या जब वो उठे तो अपने दोस्तों के साथ वाइब्स मैच करे तो अगला बंदा क्या करे. गलती अपने अंदर होती है, ब्लेम हम दूसरों को करते हैं और इस टाइम ये काम हूर कर रही है. गलती इसकी है, ये हमारे साथ क्यों नहीं बैठती. मैं मम्मा दीदी हम सारे एक रूम में होते हैं, ये अपनी अलग मस्जिद बना के बैठी होती है. गलती किसकी. बैठे बातें करे पर नहीं, कल हम बैठे हम बातें कर रहे उठ के इधर आ गए तो किसकी गलती है. तुम लोग बातें नहीं कर रहे थे, तुम लोग फोन. तो तुम्हारे सामने कौन सी दिल की बातें करे बैठ के, तुम कुछ बोलो कि तो हम बोलेंगे ना. ये नहीं अभी हमारे साथ आके बैठेगी क्या करेगी. आज यूनिवर्सिटी में ये किया, मासूमा ने ये किया, मूसा ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया. तो नहीं हम क्या करें, बस बता दी तो ठीक है ना. तुम अपनी बातें करो, तुम आज हमारे साथ ये बातें कर रही हो. हम भी शेयर करते हैं यूनिवर्सिटी की बातें, हम भी करते थे वहाँ से शेयर. बट हम हर वक्त नहीं गए, जब भी बैठे मामा मासूमा ने आज ये किया, हमने आज ये किया, इस सब ने आज ये किया, मूसा ने ये किया, दूसरा कौन है, हारून ने ये किया. नहीं तो हमारे साथ क्या काम है, कोई काम है. जैसे तुम लोग करते हो रोज रोज तो जो बात होती है मैं शेयर करती हूँ. इसे वाइफ मैच कर रही होती है और हमारे साथ आती है तब भी अपनी फ्रेंड्स की वाइफ मैच कर रही होती है तो इस बंदी से और हम क्या बातें करें. इसने हमारा किसका कसूर, हमारा तो कसूर हमारा किसका. इसने हमारा कसूर तो है ही नहीं, सरासर इसी बंदी का कसूर है. सीमा हो गया तो तभी तो मैं ये हरकतें करती हूँ. पहले दीदी मेरी साइड लेती थी, अब बहुत ज्यादा फैंस हो गए मेरे, मुझे चाहने वाले बहुत है. पर जब आप ही होती थी तब भी यही काम करती. नहीं जी आप ही के साथ हम कौन सी दिल की बातें कर रही होती थी. आप ही के साथ दिल की बातें नहीं, सारी साइन लेती थी और दीदी मेरी अब आप ही गई है तो दीदी उदा 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 लगी रहती है और मुर को तो बिल्कुल ही फेंक दिया. मैंने मुर को बिल्कुल भी नहीं फेंका. फेंका दीदी मेरी तब साइड लेती कि जब मैं काम कर रही हूँ जो हॉनेस्ट होता है. हॉनेस्टली वो बोली होती भी इसको. जब जुम्मा हफ्ता इतवार को तुमने कुछ किया था, जुम्मे को भी कुछ किया था, हफ्ता इतवार में जुम्मे को मैंने किया था. मुके दूंगी ना जुम्मे को, तो मैं तब इसके साथ खड़ी. मुझे पता है तुम्हारी ब्लॉग बना रही हो रात को बाहर जाने से, जैसे तुम ब्लॉग बना रही हो समझ रहे हो, बस तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो. इतनी के सबको स्कीमा बता दे. सो इसके साथ तब भी मैंने काम कराए पर ये वो ना शुक्री वो आज कौन सा काम कराए, ये वो खानदान कुछ तो मानती नहीं. आज कौन सा काम कराए, तुम मत करो. आज की अफ्तारी खुदा की कसम सारी मैं ही बनाऊंगी. कसम तुम आई बीच में चाट मैं खुद बनाऊंगी. तुम मत, मैं नहीं आता बनाने, मुझे आता है. मैं ही बनाऊंगी, मैं ही बनाऊंगी.
बनाऊंगी फ्रूट चाट, मैं बनाऊंगी। मम्मा कह रही रुको छोड़ दो, मेरी बेटी है ये, खैर आओ दोस्ती कर लेते हैं। है मेरी छोटी सी बहन है, इसके छोटी तो मुझसे छोटी ही ना, कद में बड़ी हो पर अकल तुम्हारी घुटनों। थैंक यू, मजा बिल्कुल नहीं आया। स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए इस बात पे। बहुत अच्छी प्लीज आ गई मम्मा, तुम इतना तैयार होकर बैठी हो। अच्छा क्या कह रही हो? मैं कह रही तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं आने वाले, लेकिन इतना तैयार। इंसान लोगों के लिए तैयार हो, खुदा अपने लिए तैयार होती है। तो ये रोज थोड़ा तैयार होना होता है। रमजान में हम अपने लिए रोज, जैसे देखा हम काम पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम जरा सेट होकर जाते हैं, तो क्यों ना घर में भी रह के हम रमजान की रिस्पेक्ट करते हुए हम अच्छे अच्छा लगे तैयार। खुदा को अच्छा लगता है तैयार रहना हर वक्त, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो सारी लाइटें हम ऑन कर लेंगे इस टाइम पे। मैं अच्छी बहन की हेल्प कराऊंगी, अच्छी बहन की तरह। गाइस ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सीन कुछ ऐसा ताली तो उन्हें बनानी है, बट मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी। मेरा आज रेस्ट डे है, खुदा दी ब्यूटी आज रेस्ट करेगी। आज हम आई आज चाचू और हम लोग अफ्तारी साथ करेंगे, तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। और अभी वूर प्याज काट रही है, पर वूर तुम्हें तो छुरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए प्याज काटने के लिए, तुम्हारी ज़बान नहीं है। आपकी ज़बान ही बहुत है। मेरे पास आपकी ज़बान नहीं है। आपकी ज़बान ही बहुत है छुरी की जगह। अभी मैं फ्रूट चाट बनाना है, पर यह कहूँ मैं असर के बाद बनाऊँगी। फ्रेश अभी देखती हूँ, अगर इसको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं करवा देती हूँ, नहीं है तो मैं आराम से जाल के अंदर सो जाती थोड़ी देर पहले। बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई। मैंने आज कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं थक गई। कुछ ना करते हुए भी हुदा थक गई है। फूर ने मुझे दिया आवाज़, मे भी उसको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम चलते हैं। क्या हुआ हूँ उसको? कितनी देर किसको? इसको सिर्फ गर्म पानी में तुम रखोगी, सही है, थोड़ी देर तक 10-15 मिनट, और उसके बाद तुम निकाल के बाउल में डाल दोगी। इधर हूँ शहजादी बना रही दही बड़े। आलू को तो देखो ना पागल से, बॉइल हुए कि नहीं हुए? अच्छा इनको थोड़ी देर हो छोड़ो, पर मुझे लगता है कि हो गए हैं। कट्स मार लेती हूँ, पर ऊर हो गए हैं। नीचे आ गई मैडम काम कर रही है, जबकि आज इसकी हमारी तरफ अफ्तारी है। क्यों मरवा? फिर कहती है कि यार मैं थक जाती हूँ। क्यों नहीं मरती? बहनों की मदद कर रही। मैंने खेलौना ले लिया, नमाज मैंने पढ़ लिया, काम मैंने अपने 10,000 खत्म कर लिए, पर मेरी जो एक बहन है ना, मेरी बहन शादीशुदा माशाल्लाह, अभी तक मैडम आई नहीं है। इंतजार पे इंतजार। इसको पता है कि ऐसी बहन को इंतजार करना नहीं पसंद, बट नहीं, इसने मुझे इंतजार करवाने ना। मेरा भाई आया ना मेरी भाभी, नहीं भाभी तो नहीं, सॉरी, ना मेरा बे अभी तक आया ना मेरी बहन अभी तक आई है। बस ये सब टाइम है जब मैं अपनी बहन को भाभी बोल दूँ, कोई नहीं होता है। मुझे अपने भाई से मोहब्बत बहुत है। इनकी बकवास सुन ले। अच्छा मैसेज आए कि मैं आ रही हूँ, अब लेट्स सी 11 बजे आती है, कितने बजे आती है बंदी? सारी करने आएगी अभी। दिमाग घुमा देती है, मेरा दिमाग घुमा देती है। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बहन है मेरी, बड़ी बहन है, माँ सम्मान है मेरी। वेट कर लेते हैं। नो इश्यूज, नो टिश्यूज। आइए आपका इंतजार, वी आर रेडी। मुझे जूते नहीं मिल रहे, तो चलो हम जाते हैं, खुद से ही शूज पहन लेते हैं। बहुत टाइम से हमारा तिक्के खाने को मूड हो रहा था, तो हमने कहा वाई नॉट टू गो। हमने पकड़ा आपी और भाई को और पहुंच के पेशावर के फेमस तिक्के खाने। रमज़ान में ये कोई अलग ही किस्म की वाइब देते हैं। अगर आप लोग भी पेशावर में रहते हैं तो ज़रूर आएँ अशरफ रोड और यहाँ के तिक्के ट्राई करें। विद इन 15 मिनट्स हमारा ऑर्डर आ गया था, और इसको देखते ही मेरे मुँह में पानी भी आ गया था। इधर भी हम सबको सर्व वगैरह कर रहे थे, इसकी जो खुशबू थी ना, लिटरली इट वॉज अमेजिंग। मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि कितने यम्मी से यम्मीएस्ट।
होप यू गाइज इंजॉय द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो दिल में आता करे जो दिल में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।